हेलो हाय एवरीवन, मैं हूँ भिलवाड़ा राजस्थान से अभी मुल्तानी। आज हमारे पास गाड़ी आई टाटा मांजा, जिसमें पिकअप लोग की प्रॉब्लम आ रही है। इसमें हमने इंटेक क्लीन किया है और ईजीआर को क्लीन किया है, तो हमें इसमें एक प्रॉब्लम नज़र आई है जो ईजीआर लीकेज मार रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ ईजीआर चेक करने का तरीका। ये ईजीआर हमने खोल लिया है पूरा, ये इसका बीच वाला पार्ट है, ये ईजीआर है और ये इसका सोलेनोइड है। तो ईजीआर क्लीन करने के बोले आप इसमें आधे घंटे तक डीजल डाल के गला दें, जो कि इस तरह से कम आधे घंटे इसको गला दें, उसके बाद इसकी क्लीनिंग करें। तो हमने इसको क्लीन भी कर दिया है, सफाई भी कर दी है। तो आज मैं आपको इसकी लीकेजिंग बताता हूँ। पकड़ना भैया मोबाइल, ये पुराना ईजीआर है, इसका ये नया ईजीआर हम लाए हैं। लीकेजिंग करने का तरीका बताता हूँ आपको। लीकेजिंग चेक करने के लिए डीजल इसमें भर दें, इस तरह से लीकेज नहीं मारना चाहिए, डीजल नहीं आना चाहिए इसमें। ये बहुत ज़्यादा लीकेज मार रहा है, दिख रहा है आपको? तो मैं आपको दूसरा ही बताता हूँ। इसमें कहीं से कहीं तक कोई लीकेज नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा लीकेज मार रहा था, इस वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। दिख रहा भैया सही? बिल्कुल दिख रहा है, ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब हम इससे फिट करेंगे, और फिट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा गाड़ी में क्या रिजल्ट आता है। तो इसे हमने कंप्लीट कर लिया है, और इससे फिट करने में एक चीज़ ध्यान रखनी, इसमें पैकिंग वगैरह का जरूर ध्यान रखना है हमें। एक ये गैस किट हमने इसमें नया डाला है, चेंज किया है, जो कि यहाँ लगेगा, और एक पैकिंग इसकी है यहाँ की जो हेड पर लगेगी, इसकी ज़रूर ध्यान रखना है, वरना इसमें अब नॉर्मल नॉइज़ चालू हो जाएगी, सीटी तरह की आवाज़ चालू हो जाएगी। एक यहाँ वाइसर लगेगा, वाइसर कहाँ भैया, वाइसर देना एक मिनट। इन पैकिंगों का ज़रूर आपको ध्यान रखना है, वरना आपकी ब्लैक स्मोक की समस्या और दबने की समस्या कभी सॉल्व नहीं होगी। यह है इसका वाइसर, इस वाइसर का भी हमें ध्यान रखना है। दोस्तों हमने इसमें ईजीआर लगा दिया है, और ये ईजीआर की लोकेशन है इसकी, ये ईजीआर है, इसके ईजीआर के दो बोल्ट लग रहे हैं। इसमें एक चीज़ की खास ध्यान रखना है, हमें इस पैकिंग का ध्यान रखना है, बोल्ट लगाते टाइम ये पैकिंग खिसक नहीं जाए, आउट नहीं हो जाए, इस पैकिंग का जरूर ध्यान रखें, वरना लीकेजिंग की संभावना रहेगी, गाड़ी में पिकअप नहीं आएगा आपके। अब हम इस गाड़ी की ट्रायल पे जा रहे हैं, ये गाड़ी है टाटा इंडिगा मांजा। भैया का एडमिटर लगा, ट्रायल पे लो गाड़ी को। दोस्तों हम गाड़ी की ट्रायल पर आ चुके हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, और भिलवाड़ा में आज मौसम बहुत ख़राब है, गाड़ी में होश जम रही है, लेकिन गाड़ी की एसी बंद है, इस वजह से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिर भी हम गाड़ी चला कर एक बार ट्रायल ज़रूर करेंगे, तो हम चलते हैं ट्रायल पे। खुला रख दो ना एक बार, ताकि ये खत्म हो जाएगी। आगे बहुत कम नज़र आ रहा है, तो हम ज़्यादा स्पीड पे गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो गाड़ी में पिकअप आ चुका है हमारी तरफ से, और गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, अगर कोई आगे नज़र बहुत कम आ रहा है। ये पिकअप आ चुका, आप देख सकते हैं 2000 RPM पर गाड़ी 80 की स्पीड पर चल रही है। तो गाड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इस गाड़ी में ईजीआर की प्रॉब्लम थी, और अब हम स्कैनर लगा के इसमें ये लाइट जो आ रही है इसको क्लियर करेंगे। तो पिकअप संबंधित प्रॉब्लम इस गाड़ी में सॉल्व हो चुकी है। गाड़ी का एसी बंद है, जिस वजह से हम इस कांच का फोग हटा नहीं पा रहे हैं, और गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है हमें। ओके दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो आगे और बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर दबाएं, जिससे मैं आगे वीडियो बनाऊँ उसको आपकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके थैंक यू दोस्तों।